हेलो गाइस, मैं सुमेर राजपूत और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो गाइस, आज हम बनाने वाले हैं एक गन जो साधारणतः मतलब जो फटाके से जलाई जाती है। ये हमने लिया है बारूद लिया है। और ये हमने जो बचपन में आपने और बहुत जलाई है वो है टिकड़ी। मज़ा आया और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। तो टिकड़ी तो आप जानते ही होंगे, वो ली है, इसके माध्यम से हम गन बनाएंगे। तो वीडियो मतलब बहुत ही अच्छा होने वाला है। और जिसको फटाकों से ज़्यादा डर लगता है तो ऐसे गन आप भी बना सकते हैं, इसमें कोई ख़तरा नहीं है और आराम से आप धमाके कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है। तो अगर हमारा मेहनत और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि हम जो भी मतलब बनाते हैं आपको कुछ सिखा कर जाते हैं। तो देख सकते हैं आपने, ये देख सकते हैं आप, ये हमने एक लिया लकड़ी जो आमतौर पर गन के साइज़ का है। ये देख सकते हैं, यहाँ से पकड़ सकते हैं और यहाँ पर जो हम आइटम लगाने वाले हैं वो लगाएंगे। तो ये देख सकते हैं, हमने ये लिया है बारूद जो हमने VIP से निकाला है, आप देख सकते हैं। और ये लिया है टिकड़ी जो आमतौर पर मतलब आप और हम बचपन में फोड़ा करते थे, जो इससे भी बहुत डर लगता था। ये वही टिकड़ी है जो बचपन की याद दिला दे एक बार फिर, वही है। एक हमने बोल्ट लिया है, ये देख सकते हैं, ये बोल्ट है, इसकी ज़रूरत एक है, मतलब देख सकते हैं आप, ये पाइप है। छोटी सी पाइप जो बहुत ठोस है, बहुत मजबूत है, इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। एक ये आप खिली है, ये देख सकते हैं, एक खिला ये लिया है, ये देख सकते हैं, ये साइज़ है इसकी, जो इसकी साइज़ के मतलब थोड़ा ये देख सकते हैं थोड़ा बड़ा है, तो इसकी ज़रूरत है। ये आप देख सकते हैं जो साइकिल का साधारणतः वो ट्यूब होता है, ट्यूब में से निकला हुआ है, लेकिन आप इसका देख सकते हैं, इसको हमने उल्टा डाला है, ये है। तो इसको मतलब हम साइकिल के वाल के अंदर ऐसे डालते हैं, लेकिन यहाँ इसका उल्टा प्रयोग किया गया है। तो इसको उल्टा डालते हैं और फिर बाद में इसकी ये साकी है, इसको कस देते हैं, तो टाइट से कस देना है, फिर इसको साइड में रखते हैं। ये देख सकते हैं, ये हमने 150 लिए। रबर जो इसको मतलब सबको बांधने में काम आएंगे। और ये धागा लिया है जो इसका भी उपयोग इसमें होने वाला है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ठोक देना और लाइक करना और शेयर ज़रूर करना। और आप भी सीखिए हमारे साथ, हम कुछ भी सिखाते हैं तो आपको मतलब आपके लिए बहुत ही अच्छी जानकारी लेकर आते हैं, कुछ ऐसा ही चिपका के जाते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारे तो खून में ही जुनून है, कृपया आप ऐसा घर पे करने की कोशिश ना करें। तो गाइज, हमने लिया है लकड़ी का डंडा जो देख सकते हैं आप, और ये लिया है सबसे पहले ये गाड़ी का साइकिल का वाल लिया है, इसको यहाँ मतलब हम कस के बांध देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लगा देना है, यहाँ लगा देना आपको यहाँ पर, और एक रबर लेना है और रबर के माध्यम से बहुत ही अच्छी तरह से इसको बांध देना है। तो हम बांधते हैं, देखते रहिए आप कैसे कैसे करना है, जैसे हम कर रहे हैं वैसे ही आप कर सकते हैं, ऐसे में इसमें कोई ज़्यादा खतरा नहीं है। तो इसको अच्छे से हम बांधते हैं, ये देख सकते हैं हमने बांधा है, तो ऐसे ही आप बांध सकते हैं, बांधिए। और उसके बाद में ये बोल्ट है जो लेते हैं हम, इसको मतलब यहाँ टच करना है, यहाँ टच करना है, जो बाद में आपको बताऊंगा इसका क्या उपयोग होने वाला है। इसको
इसको भी अच्छे से बांध देते हैं। बिल्कुल टाइट टाइट बांधना है दोस्तों, वरना ये चाकी नीचे गिर जाएंगी जब धमाका होगा। तो अच्छे से बांध देना आपको ऐसे, इसी तरह जैसे मैं बांध रहा हूँ उसी तरह आप भी बांध दीजिए, पूरा कसकर बांधिए ताकि बाद में कोई दिक्कत ना आए। उसके बाद में आपको लेना है ये जो हमने प्लास्टिक की जो रिंग ली है इसको लेना है और यहाँ लगा लेना है, ज़्यादा दूर नहीं लगाना है, ये डिस्टेंस देख सकते हैं आप इतनी ली है हमने। यहाँ रखना है, ज़्यादा दूर नहीं, यहाँ फिर कस कर ये रबर बांधना है। इसको कोई ज़्यादा टाइट बांधने की ज़रूरत नहीं है, ये नॉर्मली चाहिए, ये फ्री है, इसका कोई ज़्यादा उपयोग नहीं होने वाला है, लेकिन इसका काम ये भी करेगा। तो हम एक रबर और ले लेते हैं ताकि कोई ख़तरा ना हो और हमारे जो गन है जो हमेशा के लिए परमानेंटली काम कर सके। तो दूसरा रबर हमने ले लिया है और इसको अच्छे से बांध देते हैं। इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, लेकिन दोस्तों जो हम एक VIP से एक धमाका करते हैं तो उसमें से जो बारूद हम निकालते हैं तो वैसे धमाते इसके इससे मतलब हम ज़्यादा से ज़्यादा मतलब धमाके कर सकते हैं, जैसे 10-15 धमाके इससे कर सकते हैं। और आवाज़ का तो आप पूछो मत, बहुत ही अच्छी आवाज़ होने वाली है। तो कोई बात नहीं, हमारा रबर टूट चुका है तो अच्छे से दूसरा रबर ले लेते हैं। तो उम्मीद है कि आप भी ऐसा बनाएंगे और सीखेंगे, हम जो भी बनाते हैं आपके लिए सीखने के लिए बनाते हैं, और जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उसका आप उपयोग ना करें क्योंकि उसमें बहुत ख़तरा होता है, लेकिन इसमें कोई ख़तरा नहीं है, इसमें तो बच्चा बच्चा चला सकता है इसको। तो अच्छे से इसको बांध देते हैं। थोड़ा सा रबर और ले लेना है और इसको अच्छे से बांध देना है, इस तरह लीजिए और ऐसे घुमाइए। रबड़ से बांधने का ये कारण है कि इसे रबड़ से बहुत ही अच्छे से टाइट हो जाता है, इसके लिए हमने इस रबर का उपयोग किया है। तो आप भी मेरी सलाह से माने तो रबर का ही उपयोग करें। तो हमने इसको बांध दिया है अच्छे से, ये देख सकते हैं बांध दिया। अब लेते हैं हम, तो आगे दोस्तों जो हमने ये खिल्ली ली है इसको मतलब ये इतना सा रबर ले लेना है और इस तरह से मेरी जिस तरह से मैं बांध रहा हूँ उसी तरह से आप भी बांध लीजिए, इस तरह से लीजिए और इसमें ऐसे रखिए, और जो हमारे पास धागा है उस धागे को इस तरह से बांधिए ताकि हम इसको गांठ लगा सकते हैं, उस लेवल में बांधिए और अच्छे से कसकर बांध दीजिए क्योंकि इसकी बहुत अच्छे से ज़रूरत होने वाली है, इसका सबसे अहम भूमिका इसी की है। तो आप देख सकते हैं इसको हम टाइट से बांध देते हैं। हमारी पूरी गन इस पर ही टिकी हुई है तो हम इसको अच्छे से बांधते हैं। तो चलो हमने इसको बांध दिया है, अब इसको गांठ लगा देते हैं। तो हमने गांठ लगा दी है, जो एक्स्ट्रा धागा है उसको भी और गांठ लगा देते हैं ताकि मजबूती बनी रहे। हमारी टिकड़ी भागे जा रही है क्योंकि इसको अब डर लगने लग गया है। तो ये देख सकते हैं हमने जो रबर है वो तैयार कर दिया है, ये देख सकते हैं। अब इसको दोस्तों यहाँ डालते हैं और इसको इसके अंदर डालते हैं। तो हमारा रबर थोड़ा सा लूज हो गया है
तो गाइस हम क्या करते हैं, थोड़ा सा और टाइट बांधते हैं इसको, थोड़ा सा और टाइट बांधते हैं। तो गाइज हमने ले ली है ये टिकड़ी, तो टिकड़ी को हम पहले एक टिकड़ी निकालते हैं इसमें से, और जो उभरा हुआ भाग होता है, जो बारूद होता है, उसको हम इसको लेते हैं और उस उभरे हुए भाग को मतलब उस वाल के और बोल्ट के बीच में डालेंगे। तो सबसे पहले इसको डालते हैं, ये हमने डाल दिया है और ये देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा दबा देना है ताकि हमारी टिकड़ी है वो बाहर ना निकले। अब रहा दूसरा काम वाल का, जिसमें हम बारूद डालते हैं। तो हवा बहुत ज़्यादा चलने की वजह से थोड़ी दिक्कत आ रही है, लेकिन हमारा काम ऐसे ही जारी रहेगा क्योंकि हमारा धाकड़ा आर्मी का काम भी कुछ ऐसा ही है। तो आप देख सकते हैं उस वाल के अंदर हम बारूद डाल रहे हैं। पहली बार में थोड़ा ही डाले, लेकिन हमारा तो प्रैक्टिस है तो हम ज़्यादा डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कोई ख़तरा नहीं है वैसे। तो हमने इसके अंदर बारूद डाल दिया है और अब इसके अंदर दोस्तों ये जो डार्ट है, जो गन के अंदर, बड़ी गन के अंदर डार्ट डालते हैं, इसको डार्ट डालना पड़ेगा, इसको जिसका मुंह है वो वाल का वो पैक करके इसको सपोर्ट डालते हैं। तो हमने इसके अंदर जो सपोर्ट है वो ये डाल दी है। तो हमारी गन अब चलने के लिए तैयार है, ब्लास्ट हो जाएगा, तो आपको चला के दिखाते हैं। तो तब तक वीडियो कंटिन्यू रहेगा और अपनी नज़रें जमाए रखिए, और जो ब्लास्ट होने वाला है, ब्लास्ट होने से पहले यदि वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि फिर आप हमारे अच्छे नज़रों से ये धमाका देख सकें। तो चलिए धमाका करते हैं। तो गाइज हमारा धमाका होने के लिए तैयार है, तो अपनी नज़रें जमाए रखिए, तो धमाका करते हैं अब। 1 2 3 गाइज नाइट हो चुकी है और हम खेत के अंदर आ चुके हैं, और अब रात को भी आपको इस गन के साथ एक्सपेरिमेंट करके दिखाने वाले हैं। तो चलिए एक बार और फिर से देखते हैं इसका धमाका कैसा होता है। तो 3 2 1 0 ये देख सकते हैं आप, हमारा बहुत ही शानदार और धाकड़ धमाका हुआ है। जो धाकड़ आर्मी का धमाका होता है उसी प्रकार धमाका हुआ है, और हमारी गन की कंडीशन देखते हैं बिल्कुल वैसे की वैसी है। इनसे चाहे 1000 धमाके करो अभी, और फिर भी ये ऐसे की ऐसी मजबूती के साथ बनी रहेगी। तो कैसा लगा हमारा वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।